वैश्विक महामारी COVID-19 कोरोना ने देश के लाखों लोगों की रोजी रोटी पर संकट ला दिया। खासकर परेशानी सबसे ज्यादा उन मध्यम वर्गीय परिवारों को हुई जो किसी के आगे हाथ भी नहीं फैला सकते न मांग सकते हैं। ऐसा ही एक परिवार आगरा में है जो अपनी किडनी बेचने पर मजबूर हो गए। मैंने किडनी बेचने का फैसला बहुत सोच समझ के, न किसी के दबाव में आके, न किसी के बहकाव में आके मैंने निर्णय लिया है। ये मैंने फैसला बहुत मजबूरी, बहुत सोच समझ के मैंने डिसीजन लिया है, क्योंकि मरने का कोई समाधान नहीं होता। मरने के बाद में मेरे परिवार बिखर जाएगा, मेरा परिवार खत्म हो जाता, तो इसलिए मैंने अपना निर्णय लिया है कि मैं सरकार को अपनी किडनी बेचूंगी, क्योंकि मेरे पास बेचने के अलावा इसके अलावा कोई और कुछ ऑप्शन बचा नहीं है, ना मेरे पास कुछ भी है, सिर्फ मेरा अंग है जो मैं बेच सकती हूँ। इस परिवार ने अपनी किडनी बेचने के लिए CM, PM, राष्ट्रपति और राज्यपाल, स्थानीय प्रशासन को ट्वीट भी किया है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट में इस परिवार की कहानी। ये है मोनिकानास खान, जो अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रह रही थी। पहले इनके पति की शू फैक्ट्री बंद हो गई, उसके बाद उन्होंने बुटीक खोला। फरवरी में खुला बुटीक वैश्विक महामारी के दौरान लगे लॉकडाउन के कारण बंद हो गया। कुछ दिन तो जो पैसा घर में था उससे काम चलता रहा, लेकिन वह पैसा भी कितने दिन चलता है, वह पैसा भी खत्म हुआ। कारण ये है कि मेरा जूते का कारोबार, कि मैं वाइफ हूँ, मेरे पति का जूते का कारखाना था, वो पहले ऑलरेडी खत्म हो चुका है पूरा, जो हम नहीं चला पाए उसको खत्म हो चुके होने के कारण कि मैंने अपना वेबसाइट स्टार्ट किया फरवरी में, अपना डिजाइनर बुटीक स्टार्ट किया। बुटीक स्टार्ट होते ही एक महीने बाद में मेरा लॉकडाउन लग गया, जिसका 6 महीने का किराया मैं घर बैठे अपने दुकान का भरना पड़ेगा, बिजली का बिल है, बच्चों के स्कूल की फीस है, लाइट का है, घर का किराया, EMI है, मैं कहाँ से प्रोवाइड करूँ। एक मिडिल क्लास के लिए हम लोग किसी के आगे जा नहीं सकते, हम लोग किसी से बोल नहीं सकते, राशन वाले की दुकान पे जा नहीं सकते, हम उससे अपना अधिकार नहीं मांग सकते। तो मिडिल क्लास के लिए क्या कर रही है सरकार, मिडिल क्लास के लिए किसने सोचा है? गरीब के तबके के लोग के लिए तो सरकार सब, हर कोई NGO आगे आ रहा है, सरकार आगे आ रही है, मिडिल क्लास के लिए कहां जाए, वो किसके पास जाके रोए। अब अनलॉक शुरू हुआ तो जीवन भी पटरी पर आने लगा। जब जीवन पटरी पर आया तो बिजली का बिल सर पर आ गया, बच्चों की फीस पर आ गई, लेकिन घर में खर्चा तक के पैसे नहीं थे, तो स्कूल की फीस और बिजली का बिल कैसे ये परिवार जमा करता। इस मध्यम वर्गीय परिवार ने पहले ही अपनी बच्ची के इलाज के लिए 3 लाख का कर्जा लिया, वो भी नहीं दे पा रही है। तो इस परिवार की महिला मोनिकानास ने फैसला किया कि अपनी एक किडनी बेच दे, जिससे उसके परिवार का लालन पालन हो सके। तो मैंने फैसला लिया कि मैं अपनी किडनी अपनी सरकार को बेचूंगी। मेरी सरकार से आपके मीडिया के माध्यम से अपील है, गुजारिश है कि वो मेरी किडनी खरीदने का इंतजाम करें। किसको ट्वीट किया है आपने? मैंने मिस्टर नरेंद्र मोदी जी को किया है, योगी जी को किया है, अखिलेश यादव को किया है, अपने राज्यपाल को किया है, अपने राष्ट्रपति को किया है, जितने हैं मैंने सबको ट्वीट किया है।